What's up guys, welcome back to my channel, obviously on YouTube। तो मेरे को बता दो यार आप सारे कैसे से हो। बढ़िया, बहुत सही, मजे में। तो यार जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे चैनल पे डाला था कि कर्तव्य भाई के साथ अपना बहुत जल्द एक इंटरव्यू आने वाला है। तो यार आज हम लेने वाले हैं कर्तव्य भाई का इंटरव्यू। तो यार उसके पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दो यार। तो यार बाकी बातें होती रहेंगी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो भाई? मैं भी मजे में हूँ भाई, बस आपकी दुआ है। तो भाई मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपको कब पता चला कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मतलब आपने अपने अंदर ये चीज कब फील की? मेरे को यार क्लास फोर्थ में समझ में आ गया था कि मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, और सेवेंथ एट्थ में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर मेरे को इसी चीज में बनाना। तो भाई आपने अपने लाइफ का सबसे पहला म्यूजिक कब बनाया था? लाइफ का सबसे पहला म्यूजिक ऐसे हमने गाना क्लास 11th में बना लिया था, बट प्रॉपर प्रोडक्शन सीखने के बाद मेरे जिस इंस्टीट्यूट में मैंने कोर्स किया है वहाँ पर असाइनमेंट्स होते थे हमें देने के लिए कि हमें वहाँ ट्रैक सबमिट करना है बना के। तो पहला ट्रैक था भैरव ऑन एसिड जो मैंने एज एन असाइनमेंट सबमिट किया था, वो मेरे काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल पे भी था बट अब मैंने वो हाइड कर दिया बिकॉज़ आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। तो भाई मैं आपसे चौथा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी और मुफाड़ भाई की मुलाकात कैसे हुई थी? मुफाड़ भाई मेरे को मिले थे एक फ्लेम्स करके क्लब है जीटीबी में, जीटीबी हडसन लेन में एक क्लब है दिल्ली में फ्लेम्स करके। तो वहाँ पर हमारे कॉमन फ्रेंड है सुरेश भाई, उनके साथ मैं शोज करता था, आई वाज अ ड्रमर बैक देन। तो वहाँ पर भाई आए थे फर्स्ट टाइम और उसके बाद हम मिले थे कि ये भी प्रोड्यूस करता है, सुरेश भाई ने इंट्रोड्यूस किया, फिर भाई स्टूडियो आया, फिर मैं भाई के स्टूडियो गया, हमने एक दूसरा काम सुना, हमने साथ में काम बहुत लेट शुरू किया तो करना उस तरीके से कि मैं ट्रैक्स करूंगा और वो वोकल्स करेंगे या वो गाएंगे, बट यही था कि उनको मेरा काम अच्छा लगता था, मेरे को उनकी साउंड अच्छी लगती थी। तो सही है। ठीक है भाई, पांचवे सवाल का आते हैं। तो जैसे भाई फिलहाल तो आपका म्यूजिक लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो फ्यूचर में और किन लोगों के साथ आप कोलैब करने वाले हो? फ्यूचर में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं। अब नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा तो वो शायद बुरा मान जाए, मैं किसी का ले लूंगा तो वो खुश हो जाएगा कि गाने करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैब करना चाहता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे साथ के और मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत 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 ज्यादा अच्छे हैं और उनके साथ अभी मेरे ट्रैक्स आएंगे भी, काफी कुछ अनरिलीज है, तो फॉर श्योर बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए भाई अच्छी बात है, हम उस चीज का वेट करेंगे कि आगे और भी चीजें आपकी देखने मिले हमको। ठीक है भाई, छठवें सवाल पे आते हैं। तो भाई आप पर्सनल किस रैपर या किस सिंगर को पसंद करते हो जिनके लिए आपको लगता है कि आप अच्छा म्यूजिक दे सकते हो? सिंगर मेरे को देखो अरिजीत से ऊपर कोई नहीं लगता, अरिजीत सिंह मतलब रू छूने वाले वोकल्स हैं एक तरीके से, और रैपर में मुफाड़ भाई ऑब्वियसली, सिकंदर कालो, और अभी तो ये बहुत हैवी नाम लिए मैंने, दो एक काफी है। ठीक है भाई, तो भाई सातवें सवाल पे आते हैं। सातवां सवाल भाई मेरा पर्सनल है कि आप एक प्रॉपर पूरा म्यूजिक कितने टाइम में बना लेते हो? डिपेंड्स ऑन द वाइब, अगर मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि मेरे को गाना कैसा देना है तो हो सकता है वो 2 घंटे में बन जाए पूरा ट्रैक। इनिशियल बीट तो बहुत जल्दी बन जाती है बट पूरा ट्रैक करने में शायद 2-2.5 घंटे लगे। अगर मेरे को वाइब क्लियर नहीं है और मैं धीरे धीरे समझता चल रहा हूँ कि मेरे से आर्टिस्ट क्या चाह रहा है और वो किस तरीके के म्यूजिक डिमांड कर रहे हैं, तो फिर 1-2 दिन से ऊपर तो नहीं लगता टाइम। तो भाई आठवें सवाल पे आते हैं। आठवां सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको म्यूजिक बनाने के अलावा और क्या क्या पसंद है? मेरे को पूल खेलना बहुत पसंद है, स्विमिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि है बहुत टाइम, बोलिंग बहुत पसंद है, ऐसी गेम्स बहुत पसंद है, और मेरे को ताश खेलना बहुत पसंद है, पोकर। ये लास्ट वाला तो भाई मुझे भी पसंद है। तो भाई अगले सवाल पे आते हैं कि आपका रियल नेम कर्तव्य ही है या आपने खुद रखा अपने लिए? नहीं, मेरा रियल नेम ही कर्तव्य है, मेरे माँ बाप ने रखा था वो नाम 23 साल पहले, तो मेरे को कोई और नाम मिला नहीं जो जचे मेरे पर्सनालिटी को, और काफी लोग इसी तरीके के नाम शायद चूज भी करते हैं अपनी लाइफ में आगे, सूडो नेम जैसे कहते हैं, बट मेरे को यही ठीक लग रहा था तो मैंने यही रख लिया, मतलब रहने दिया, रख क्या लिया, रहने दिया, यही रहने दिया। तो भाई अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि जैसे आज इस समय कर्तव्य म्यूजिक को बहुत सारे आर्टिस्ट पसंद कर रहे हैं, तो क्या कभी कर्तव्य ने भी किसी आर्टिस्ट को पसंद किया है? मैंने बहुत लोगों को, बहुत आर्टिस्टों को पसंद किया है उस तरीके से, ऑन द टॉप ऑफ माई हेड सब कोई पसंद आया था, आई गेस हनी सिंह सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आया था, जब अंग्रेजी बीट और लक 28 वाले ट्रैक्स आए थे तो हाइप थी एक तो बहुत जबरदस्त, और ऊपर से ट्रैक्स बहुत जबरदस्त है। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बाहर के आर्टिस्ट मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ, जैसे बाहर के आर्टिस्ट में वन ऑफ माई फेवरेट्स इज टाइगा, तो टाइगा का सुना गया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले Q&A में क्वेश्चन आंसर भी किया था, तो मैंने कम से कम उसमें 22-25 आर्टिस्ट लिस्ट कर दिया था, तो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था उसने भी मेरे को आगे से बोला कि भाई थोड़े और लिख दे 2-3। तो भाई आपको कैसा लगा मेरे साथ बातें करके? वो बहुत अच्छा लगा भाई आपसे इतनी बात करके। और हाँ भाई, जो आपके चाहने वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे एंड से बहुत अच्छा म्यूजिक आपको फॉर श्योर सुनने को मिलेगा, और नवनीत भाई का ये चैनल है इसको प्रॉपर तरीके से आप सपोर्ट करिए और प्यार कीजिए बहुत, बाकी होपिंग फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच।
इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत ही नए तरीके से अब बातचीत हो पा रही है और क्वारंटीन के अंदर भी इतना एंथुसियाज्म है सब में कि वो एक दूसरे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सुन के और अप्रिसिएशन मिलती है तो सबको अच्छा ही लगता है मेरे हिसाब से। एवरी आर्टिस्ट नीड्स एन ऑडियंस। बाकी यही है कि आप इस चैनल को लाइक सपोर्ट करें प्रॉपर तरीके से, शेयर करें इसमें जो भी कंटेंट ये भाई डाल रहे हैं नवनीत भाई। बाकी मैं अगर आपको मेरा कंटेंट सुन रहे हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाला हुआ है कर्तव्य म्यूजिक इंस्टाग्राम, उसके ऊपर ही मेरी बीट्स वगैरह एंड गाने जो मैं करता हूँ वो अपलोड होते हैं, तो आप जाके वहाँ सुन सकते। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और कमेंट करके मेरे को बताओ कि कर्तव्य भाई के साथ आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा। और ये कर्तव्य भाई की इंस्टाग्राम की आईडी है, जाओ जाके भाई को फॉलो करो। तो भाई और उनकी प्यारी बहनों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर वाले का हेतु आवारा है, क्या पता किस राह पे जा रहा है, कहेंगे लोग मुझे परवाना है, सरफीरा हिप हॉप का दीवाना मैं, हाँ काम सही और दिल से मैं साफ हूं, ना वश में किसी के सोचे बेकाबू, मुश्किलों को देखकर